मंडियों में धान की खरीद जारी है। प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम के दावे किए गए हैं। तो आज से जो वादा था कि 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होगी, उसकी शुरुआत अब हो गई है। धान की सरकारी खरीद आज से शुरू हो गई है हरियाणा में। और आज आपको बता दें कि दरअसल सभी जो इंतजाम है वो करने की बात, वो दावे प्रशासन की ओर से भी जो किए गए, लेकिन अब ये वादे तो किए गए हैं लेकिन धरातल पर ये कितने सही साबित हो रहे हैं? क्या जो इंतजाम होने चाहिए थे मंडी में वो हो पाए हैं? किसान अब जब मंडी में पहुंच रहे हैं अपनी फसल, अपनी धान की फसल को बेचने के लिए, तो क्या उनके सामने सब कुछ स्मूथली सब चीजें नजर आ रही हैं या फिर कहीं कोई दिक्कतें हैं? यही हम जानेंगे। हमारे संवाददाता इस समय परवेज खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं यमुनानगर से। इस समय परवेज, क्योंकि धान की सरकारी खरीद आज से शुरू हो गई है, क्या नजारा आज मंडी में देखने को मिल रहा है? किस तरह के इंतजाम है जो नजर आ रहे हैं? बिल्कुल अवंतिका, इस वक्त मैं जगाधरी की नई अनाज मंडी में मौजूद हूँ और आपको यहाँ की ताज़ा तस्वीरें से रूबरू कराना चाहूँगा कि बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किसान जो हैं वो धान लेकर मंडी में पहुँच रहे हैं। हालांकि सरकार ने 1 अक्टूबर यानी कि आज से धान की सरकारी खरीद का ऐलान किया था, उसका ट्रेलर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसान मंडी में लगातार जो है अनाज लेकर पहुंच रहे हैं और यहां पर अच्छी खासी रौनक किसानों की दिखाई दे रही है अवंतिका। और इस वक्त मेरे साथ जो अनाज मंडी के प्रधान मुनीश जी हैं उनसे ही बात कर लेते हैं कि किस तरह की व्यवस्था जो है मार्केट कमेटी की तरफ से की गई है और वो कितने संतुष्ट हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आज से जो धान की सरकारी खरीद शुरू हुई है उससे आप कितने संतुष्ट हैं और किस तरह की व्यवस्था की गई है? धान की खरीद तो सर आज से शुरू होने जा रही है, अभी तक शुरू हुई नहीं है, तो अब शुरू हो जाएगी थोड़ी देर तक। और व्यवस्था को लेकर मैं कहूँगा धान का तो हल जब यहाँ से उठान शुरू होगा ना तभी हल होता है इसका। जब अभी तक राइस मिलर जो है उन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया एजेंसी के साथ कि वो कौन यहाँ मिल आएगा, कौन उठाएगा यहाँ से माल, अभी तक यही नहीं पता कौन कौन से मिल आएंगे। तो और आगे मौसम भी खराब बताया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बरसात बताई जा रही है। अगर बरसात होगी तो जितनी जीरी ये मंडी में पड़ी है सब खराब हो जाएगी, तो उठान जरूरी है। तो धान की व्यवस्था को लेकर जब गेट पास करने शुरू हो गए हैं और समस्या भी बढ़ने लगी है। अब किसान हमारे पास आ रहे हैं, उनको पता लग रहा है उनके पोर्टल कट गए हैं। तो कितनी जो धान की सरकारी खरीद का कितने का रेट निर्धारित किया सरकार? सरकार ने पिछले से 100 रुपये बढ़ाकर अब की बार 2060 का रेट निर्धारित किया है। और ये रेट की बात करूँ तो ये रेट बहुत कम है किसानों के लिए। अगर हम किसान का खर्चा देखें तो उसकी इनकम देखें तो ये बहुत कम रेट है, कम से कम 3000 का रेट होना चाहिए जीरी का आज की डेट में। बिल्कुल अवंतिका, मेरे साथ कुछ किसान भी मौजूद हो, आइए उनसे भी जान लेते हैं कि आज वो जो धान लेकर पहुंचे हैं वो किस तरह की परेशानी को उनको सामना करना पड़ रहा है, किस तरह की फैसिलिटी जो है मंडी पर जो मार्केट कमेटी है उसकी तरफ से दी गई है। हाँ जी सर, आज आप धान लेकर पहुंचे हैं, ये पेज क्यों ले रहे हो हाथ में? पेज तो अब सवेरे में सुरेश कुमार मेरा नाम है, गाँव मेरा फतेहपुर है, यही रहने वालों इसी अपना नगर जिले का। तो मैं सवेरे जीरे की ट्रैली लेकर आया था, उस टाइम तो मैं सवेरे गया, वो कहा तेरा तो सारा पोर्टल खत्म हो रहा, 3 किले मेरे पास कट गए। अच्छा। इसमें पोर्टल में 3 किले हैं जी कटे। अच्छा। ये मेरे पास सिर्फ इसमें 1.25 किला बच रहा। अच्छा। 1.25 किलो में 8 दिन गया जी, मतलब 35 क्विंटल जीरी बिका गई सारी। अच्छा। ये मेरे पास पड़ी 80-85 क्विंटल जीरी। अच्छा। इसलिए बाकी कौन से खत्म में गिरूंगा मैं, मेरे लिए तो मुसीबत ही ना खड़ी इस टाइम। पोर्टल की कमी की वजह से आपकी पूरी धान नहीं बिक पाई? बिकने की नहीं जी। तो अवंतिका, एक कुछ किसान है जो पोर्टल में खामियों को लेकर लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, हालांकि कुछ और किसान भी आए, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप भी ये जो पेज ले रहे हैं, समस्या हमारे साथ मेरे साथ बिहारी जी, तो मेरे 2.5 किले जीरी के हैं, मैं आज अपनी 1 किले की जीरी लेके आया हूँ। तो मैंने यहाँ अपना आधार कार्ड दिया तो पोर्टल चेक कराया तो मेरी ना इसमें वो कह रहे 1.5 किले की आपकी इसमें आ नहीं रही, सिर्फ 1 किले का पोर्टल दिखा रहे जिसमें आप 28 क्विंटल धान तुलवा सकते हो, तो फिर मैं बाकी 45 क्विंटल कहाँ लेके जाऊँ? मेरा गांव दुसानिया है, यशपाल शर्मा मेरा नाम है जी। तो क्या पोर्टल की कमी की वजह से हुआ है? ये मैंने पोर्टल भी कराया था जी, मैंने 2 जुलाई को करवा दिया था ये, उसके बाद मैंने पटवारी से इसकी गरदौरी भी कराई अपनी जीरी की, उसके बाद भी तो उसमें ही आ रहा है कि ये तो तहसीलदार साहब ने काट दी पोर्टल आपके। कहा आप भी पहुंचे हैं, आपको भी किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही हो, क्या परेशानी? 21 किले थे जी, 14 का या 7 किले का काट दिया जी। पोर्टल की कमी सबसे बड़ी नजर आ रही है, तो क्या विकल्प है आपके पास? तो कुछ नहीं, आड़ती कह रहे करेगा तो लेंगे जी, यानी ऐसे तो नहीं लेंगे जी। तो अवंती का ये कुछ किसान है जिनको पहले दिन से ही जो धान की खरीद है उसको लेकर काफी परेशानी हो रही है, हालांकि सबसे बड़ा जो पैच नजर आ रहा है वो पोर्टल में नजर आ रहा है, क्योंकि पोर्टल की वजह से जो धान की
खरीद होनी थी किसानों की, आधी बिक रही है और आधी को लेकर कई तरह की समस्या आ रही है। बिल्कुल परवेज, देखिए आज तो पहला दिन है, आज से ही धान की खरीद की शुरुआत हो रही है, सरकारी खरीद की शुरुआत, और अभी से कुछ ही देर बाद जो खरीद है उसकी शुरुआत हो पाएगी। लेकिन उसके बाद देखिए उम्मीद यही करते हैं जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी बहुत जल्द किया जाएगा। बहुत शुक्रिया परवेज तमाम जानकारी देने के लिए।